हेलो बच्चों, सुबह मैंने आपको मीडियन बताई थी कि मीडियन तीन तरह के सीरीज़ में कैलकुलेट होती है, मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज़, मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज़, मीडियन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो पहले मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के थ्रू मीडियन बताई थी, और इंडिविजुअल सीरीज़ में दो तरह से मीडियन बताई थी। एक तो अगर ये डाटा सारे अगर ओड हैं, जैसे इनको गिना था हमने, सात आए थे, तो ओड के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लगता है। और अगर इवन है, यही डाटा, मैंने एक डाटा इसमें एक्स्ट्रा कर दिया नाइन, तो अब ये इवन बन गए, ये देखो आठ। तो इवन में पहले ओड हो या इवन, पहले आपको इनको ना रीअरेंज करना पड़ता है, क्रम से लिखना पड़ता है। क्रम से लिखने के बाद, ये देखिए क्रम से लिखा ना, उसके बाद फिर ये इसमें फॉर्मूला ये वाला लगता है इवन में, और ओड में ये वाला लगता है। भाई इतना फ़र्क है दोनों में, लेकिन दोनों में ही हमें क्रम से लिखना पड़ता है इंडिविजुअल सीरीज़ में। और उसके बाद आपको मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे बताया था, उसके बाद मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ बताई थी। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि आकार के साथ साथ, यानी साइज़ के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो ये साइज़ थे और ये साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें हमने इस तरह से कैलकुलेट करी। लेकिन इसमें ना सीरियल वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस इंडिविजुअल सीरीज में क्रम से लिखते हैं, बाकी डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्रम से नहीं लिखते। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए आइए, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मान लीजिए ये मार्क्स हैं, किसी क्लास के हमने टेस्ट लिया था, तो जीरो से और 10 तक के बीच में मार्क्स आए बस बच्चों के, ऐसे चार, ऐसे पाँच बच्चे थे, 10 से 20 आए, ऐसे 6 बच्चे थे। इसी तरह 20 से 30 जिनके मार्क्स आए वो 7 बच्चे थे, और 10 बच्चों के 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए, और 12 बच्चों के आए थे 50, ये 40 से 50 के बीच में 12 बच्चों के मार्क्स आए थे, और ये 30 से 40 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स आए थे, और 50 से 60 के बीच जो मार्क्स आए थे ऐसे 8 बच्चे थे। तो अगर इस तरह से क्लास इंटरवल दी होती है, तो मीडियन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मीडियन का फॉर्मूला फिर ये वाला लगता है, ये L1 प्लस, ये L1 है, प्लस N/2 माइनस CF/F × I। तो ये होता क्या है फॉर्मूला, ये तभी लगेगा जब कंटिन्यूस सीरीज़ होगी। कंटिन्यूस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, पहले जो आपको डाटा दे रखे ना, इन्हें वर्टिकल फॉर्म में लिख लो, जैसे क्लास इंटरवल एज इट इज़ लिख दिए, फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज़ लिख दी, और जैसे डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकाली थी, ऐसे यहाँ भी संचयी बारंबारता निकलेगी। जैसे यहाँ पे पाँच है, तो पाँच का पाँच, फिर पाँच में इस छः को जोड़ा तो ये बन गया 11, फिर इसको जोड़ा 18 बन गया, ऐसे ऐसे लिखते चले जाइए। उसके बाद फिर फॉर्मूला ये जो लगाते हैं हम मीडियन का, इस फॉर्मूले से पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ती है। मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास का एक फॉर्मूला होता है N/2 CI। N/2 का मतलब होता है, CI का मतलब होता है यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यानी हमें मीडियन वाला वर्गांतर निकालना है, यानी क्लास इंटरवल निकालना है हमें मीडियन वाला। तो क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला होता है N/2। N का मतलब ये है फ्रीक्वेंसीज का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे रखा 48/2 यानी 24। तो 24 इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में समाएगा, 24 पाँच में तो समाएगा नहीं, 11 में भी नहीं समाएगा, और 18 में भी शामिल नहीं होगा 24, तो 28 में होगा। तो 28 के जस्ट सामने वाली जो क्लास इंटरवल है ना, यही हमारी मीडियन क्लास कहलाती है। इसको मीडियन क्लास बोलते हैं या मीडियन क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया ये 32 40। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाया, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF/F × I। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, जैसे ये 30 से 40 आया ना, तो 30 लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट होती है, तो L या सिर्फ इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ये देखिए 30, और N/2 आपने यहाँ पे निकाल ही रखा ही रहा, ये N/2 की वैल्यू आई थी 24, वो मैंने यहाँ पे रख दी। और ये जो 18 होता है ना, ये CF होता है, CF का मतलब जो आपकी क्लास इंटरवल आई है उसके सामने जो ये है, ये तो F होता है, और इससे ऊपर जो एक एक स्टेप ऊपर जो है, इसके जस्ट सामने वाला नहीं, इससे एक ऊपर वाला जो होता है वो CI होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने CI 18 रखा है, और F जस्ट इसके सामने वाला होता है 10, और I का मतलब इंटरवल डिफरेंस, इंटरवल यानी ये जो सारे इंटरवल्स हैं इनके बीच में 10-10 का गैप है, तो इंटरवल का डिफरेंस 10 यहाँ पे रख दिया मैंने, जैसे मीन में करते थे आप। फिर 24 में से 18 घटाया, 6 आया, 6/10 और गुणा में 10। अब इस ये जो 10 है इसकी गुणा 6 से कर देते हैं, तो 60 बन जाएगा, 60/10 चल ही रहा है, 0 से 0 कटा, 6 बचा, 30 यहाँ पे है, ये लोअर लिमिट की वैल्यू थी ये वाली। और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके मीडियन की वैल्यू आई 36, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको अगले वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करूँगा, मीडियन ख़त्म हो गया, मीन ख़त्म हो गया, मैं मोड शुरू करूँगा अगले वीडियो में। तो जब तक आप वेट कीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, ताकि आप बोर भी ना हो, एंजॉय करते रहो, और बोर भी नहीं होगे, और बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और इजीली सीख भी जाओगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।